उज्जैन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने शनिवार को उज्जैन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इस बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाखों कार्यकर्ताओं को भोपाल में जीत का मंत्र दें। उज्जैन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने शनिवार को उज्जैन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इस बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाखों कार्यकर्ताओं को भोपाल में जीत का मंत्र देंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया आज सुबह उज्जैन आए। इस दौरान उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और 14 लाख नए युवा भाजपा से जुड़े हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। भाटिया ने कहा कि प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी और प्रदेश में जीत के रिकॉर्ड टूटेंगे। आपने बताया कि 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में होने वाले कार्यकर्ता महाकुंभ में लाखों कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र देंगे। उज्जैन से मनीष सोनी की रिपोर्ट। के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। इस तरह से जन आशीर्वाद यात्रा में मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, इससे हमारे कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा उत्पन्न हुई है, एक नया विश्वास है और हमें यकीन हो गया है कि पुनः मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा और ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। इसके साथ ही एक सूचना भी मैं आपसे साझा करना चाहूँगा, 25 तारीख को कार्यकर्ताओं का महाकुंभ भोपाल में होने जा रहा है, जिसमें जीत का मूल मंत्र विश्व के सर्वोच्च नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देंगे और हमें यकीन है कि हम एक राजनीतिक दल होने के नाते जो मध्य प्रदेश की जनता है उसकी सेवा करते रहेंगे, सशक्तिकरण करते रहेंगे और उन्हें मुख्य धारा से जोड़कर उनको ये बताएंगे कि वो हमारे परिवार का हिस्सा है। सर आज कमलनाथ जी उन्होंने कहा कि मैं शिव का भक्त होता हूँ, लेकिन आज भी जवान हूँ और जो है सीएम के पद पर क्या कह रहे हैं? देखिए, ये पार्टी की सोच का फर्क है। अगर आप यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से ये पूछते तो वो कहते कि मैं कार्यकर्ता हूँ, पार्टी मेरी माता है, जनता मेरा परिवार है, मैं सेवा करने आया हूँ। और कांग्रेस पार्टी में केवल सत्ता का सुख कैसे मिले, कुर्सी पे बैठ के घोटाला कैसे करें, मलाई कैसे खानी है, इसी के सपने वो देखते रहते हैं और जनता ऐसा जवाब देती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय राजनीति के मुंगेरी लाल कोई है तो कमलनाथ। मैं दावे से ये कह सकता हूँ कि जैसे गुजरात में इतिहास रचा गया था विधानसभा चुनाव, ऐसे ही मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी और सारे कीर्तिमान सर आपके सांसद के द्वारा जो है दंत कांति